नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 12 मीटर गुणा 8 मीटर माप के फर्श पर एक दरी बिछाई जानी है। दरी की चौड़ाई 3 मीटर है तो दरी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, उसने कहा कि 12x8 यानी 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा कोई फर्श है जिसके ऊपर दरी बिछाई जानी है। ठीक है, अब दरी की चौड़ाई उसने हमें 3 मीटर दी है और हमसे पूछ रहा है कि दरी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो पहले तो फर्श की लंबाई बराबर है 12 मीटर और चौड़ाई बराबर है 8 मीटर। ठीक है, तो यह क्या दी गई है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। हमें यहाँ पर सिर्फ दरी की चौड़ाई दी गई है तो इसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं। यह है 3 मीटर और कैपिटल एल यह हमें निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं कि एक्स मीटर है। दरी की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो भी फर्श का क्षेत्रफल होगा उसी फर्श के क्षेत्रफल पर ही दरी बिछाई जाएगी। ठीक है, तो जब फर्श के क्षेत्रफल पर ही दरी बिछाई जाना है तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा, वह दरी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दरी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, यह कंडीशन इसमें अप्लाई होगी क्योंकि जो भी फर्श है उसी के ऊपर दरी बिछना है 12 मीटर और 8 मीटर। ठीक है, इसी फर्श के ऊपर दरी बिछाई जाना है तो जो भी फर्श का क्षेत्रफल है वह दरी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब दरी का क्षेत्रफल, दरी की लंबाई चौड़ाई हमने मानी है कैपिटल एल और कैपिटल बी। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श की लंबाई स्मॉल एल और स्मॉल बी। यहाँ लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ एक्स रख देंगे और यहाँ 3 रख देंगे। यहाँ लंबाई है 12 और यहाँ है 8, तो एक्स बराबर 12 गुणे 8 भागे 3। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 8 चौको 32, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 32 मीटर। यानी कि जो दरी है उस दरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो दरी की लंबाई हो जाएगी 32 मीटर। ठीक है, तो दरी की लंबाई क्या निकल के आई, दरी की लंबाई कैपिटल एल बराबर 32 मीटर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें यही देखना है कि वो कर क्या रहा है। तो उसने जो दरी बिछाई है वो फर्श के क्षेत्रफल पर ही बिछेगी तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वह दरी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सिर्फ एक ही इसमें कंडीशन लगनी है और हमें सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।